हल्द्वानी में स्थित महिला अस्पताल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें तमाम खामियां देखने को मिली। हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब होने समेत तमाम खामियों की झड़ी लग गई। यहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने न तो रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते पाए गए, साथ ही रोस्टर के अनुसार उपस्थिति भी नहीं पाई गई। वहीं मरीजों के लिए बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां इमरजेंसी दवाएं छोड़कर सामान्य बीमारियों की दवा देने का प्रावधान है। इस पर कमिश्नर ने चिकित्सकों से जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाएं लिखने के निर्देश दिए, लेकिन इस दौरान कमिश्नर का पारा तब चढ़ गया जब एक नवजात को BCG का टीका लगाने के लिए उसके परिजन बाहर खुले में ले आए। इस पर उन्होंने चिकित्सकों को टीका कमरे में ही लगाने के निर्देश दिए। अस्पताल के निरीक्षण में यह भी खुलासा हुआ कि महिला हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर को रामगढ़ के अस्पताल से रिलीविंग मिलने के बाद भी उन्होंने अभी तक यहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, ना ही उस चिकित्सक की कोई जानकारी ही मिल पा रही है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। इस मामले में कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे DMs, SDMs और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पर ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने DM अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है तो। आयरन सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही, तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी CMS साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड हैं, तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे, उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था, अब वो यहाँ पे भी नहीं है, रामगढ़ में भी नहीं है और कहाँ पे हैं किसी को पता भी नहीं। ये व्यवस्था उचित नहीं है और CMO नैनीताल से भी मैंने कहा है, डायरेक्टर हेल्थ से भी कहा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि इनको डेली पता रहे कौन एबसेंट है कौन प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है कि छुट्टियों की आवश्यकता हो सकती है, हर किसी की अपनी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए लीव्स अलाउड भी हैं, लेकिन किसी को पता ही ना हो कौन कहाँ है, ये एक गलत चीज़ है और इसे ठीक होना चाहिए।